रमजिम, मैं कह रही हूँ इस घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा। क्या हुआ भाभी? इस घर में कोई तो खिचड़ी जरूर पक रही है। रमजिम, मैंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, ये सब खेल मैं अच्छी तरह जानती हूँ। राकेश भैया अविनाश और प्रतीक को अलग अलग करना चाह रहे हैं। प्लीज भाभी, ऐसा मत कहिए। ऐसा क्यों ना कहूँ रमजिम? अविनाश ने प्रतीक से फाइल मंगाई, प्रतीक फाइल लेकर जा रहा था तो पता है राकेश भैया ने क्या कहा? तुम प्यून हो जो फाइल लेकर जा रहे हो, ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात हो गई ना। उन दोनों को अलग अलग करना चाहते और खुद अच्छा बनना चाहते। कावेरी, अगर राकेश अच्छा बनना चाह रहे हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जब देखो उनमें दोष निकालती रहती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है किसी में दोष निकालने का। वो अच्छा बनना चाहते हैं तो 100 बार बने, लेकिन जो पहले से अच्छे उन्हें तो ना बिगाड़े। देखो कावेरी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी मर्जी, लेकिन मुझसे भी ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आपके पति मेरे पति को मोहरा बनाकर खेले। कावेरी प्लीज 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 ऐसे मत लड़िए आप दोनों। प्रतीक भी ऑफिस आए क्या? अभी तक आया नहीं सर। What? क्या हो गया प्रतीक भैया को? कहा था मैंने कि मुझे फाइल बहुत जरूरी चाहिए। अरे अविनाश बेटा, क्या बात, बहुत गुस्से में हो भैया? कुछ नहीं चाचा जी। अरे कोई बात हो तो बोलो भाई। प्रतीक भैया से मैंने कहा था कि मुझे फाइल बहुत जरूरी चाहिए, जल्दी लेके आए, लेकिन अब तक भैया पहुंचे नहीं। ये बात है तो भैया बेकार में ही अपना खून जला रहे हो। अरे समझ में नहीं आता क्या नाम से ये प्रतीक को अपनी जिम्मेदारी का पता कब चलेगा? हैं बता, इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है, इतना बड़ा टेंडर है, बखत पे नहीं पहुंचा क्या नाम से तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। पर इन्हें कोई चिंता ही नहीं, पहले भी भैया क्या नाम से ऐसा ही करते थे प्रतीक साहब तो। हाँ, सब कुछ जो है वो बड़े भैया को संभालना पड़ता, अब तुम्हें संभालना पड़ेगा। मॉर्निंग सीमा। लो ये देखो, आ गए साहब। मेरे लिए कोई मैसेज? सर वो आपको ढूंढ रहे थे। कौन, अविनाश? हाँ। थैंक्स अ लॉट। अविनाश, मुझे ढूंढ रहे थे तुम? कहाँ रह गए थे भैया? अरे घर से निकलने में देर हो गई, एक अर्जेंट फोन कॉल आ गया था। मैंने आपसे कहा था कि नहीं कहा था कि फाइल लेके ऑफिस जल्दी पहुंचेगा? एक मिनट अविनाश, फाइल ना मिलने का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो तुम? सवाल वो नहीं है भैया, आप जानते हैं क्या टेंडर फाइल करना है, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने शुक्ला जी को दे दी थी, वो तुम्हें फाइल देने वाले थे। और अविनाश, ये फाइल ले जाना ले आना ये स्टाफ का काम है, मेरा काम नहीं है। आइंदा से ये काम स्टाफ से करवाओ, समझे? मेरी बात को बुरा मत मानिएगा भैया, आप जानते हैं कि फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। I'm sorry. Come on, अविनाश. You don't have to say sorry. Okay, even I'm sorry. अब जाओ शुक्ला जी से पूछो वो फाइल अब तक पहुंची क्यों नहीं। अरे प्रतीक बेटा, भैया एक सवाल पूछा तुम, ये घर में भैया क्या नाम से बड़ा कौन? नहीं तुम क्या अविनाश है, फिर तुम काहे सॉरी बोल रहे हो भाई? अरे मान लिया कि अविनाश जो है क्या नाम से अभी देश से पढ़ के आया, बहुत ऊंची डिग्री लेके आया, लेकिन बड़े छोटे का कोई सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये क्या बात हुई भाई, हमेशा थमथमाए रहता है जैसे सारे काम की जिम्मेदारी उसकी है। तुमको चपरासी हो, फाइल को इधर उधर ले जाओ। अब भैया एक बात और है, अगर अपने भाई को, बड़े भाई को कुछ कहना ही था तो कमरे में जाके कर। ये क्या बात हुई भाई के सारे स्टाफ के सामने अपने बड़े भाई की बेइज्जती कर दी, हमसे तो नहीं सहा जाता भाई। हाँ सोच के देखो। जाए आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसित लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विचरण बजरंगी, कुमति निवार सुमिरन के संगी, अरे कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दरवाजा खोल, बावर्ची खानू मैं। तू पहले काहे ने बता, डराए देता। आधा घंटा लगाता है दरवाजा खोलने में यार। ये खान कहाँ जा रहे हो भैया?
बाहर जा रहे हैं सोने। अरे बाहर ना सो भैया, अब बारिश भी हो रही है ना। यह मैं नहीं चाहता कि मेरी खर्राटे की वजह से तुम्हारी नींद खराब हो। अरे जोर जोर से खर्राटे लो, जितनी मर्जी उतनी खर्राटे लो, हमको कोनो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बाहर जाके ना इस सो भैया, काहे कि भूतनी जो है ना। भूतनी नहीं है, मुन्नी। भूतनी? एक थी मुन्नी, एक था चुन्नी। चुन्नी? अबे चुन्नी लाल यार। अच्छा हाँ, आज ही मैं अपने कुछ ड्राइवर दोस्तों से बात कर रहा था, तो वो बोले कि 36 नंबर के फ्लैट में एक मुन्नी रहती थी। अच्छा। और 40 नंबर के फ्लैट में एक चुन्नी रहता था। अच्छा। रोज रात को 11:56:15 पे कड़क चुन्नी लाल दरवाजा खोलता था। अच्छा। दरवाजे की आवाज सुनकर मुन्नी खिड़की खोलती थी। हाँ। ये क्या हुआ? ये कहानी मुन्नी के बाप को पता चल गई और उसने उन दोनों को परलोक भेज दिया। हाँ, चुन्नी ने तो कहीं दोबारा जन्म ले लिया। अच्छा। लेकिन मुन्नी क्या हुआ उसका? मुन्नी आज भी खिड़की खोलती है, खिड़की बंद करती है और वो भूतनी बनकर यहीं कहीं घूम रही है। अच्छा। हाँ महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं का? कि तुम ही उसके पिछले जन्म के चुन्नीलाल हो? चुन्नीलाल कैसे हो सकते हैं भैया? हम तो महाराज हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, जो मर्जी मैं कि तुम बोल दोगे हम मान लेंगे उसको। हैं ठीक है, मत मानो, मुझे क्या, तुम्हारी मर्जी, मैं चला। कहाँ? बाहर। अरे बारिश आ रही है भैया। कोई बात नहीं, रेनकोट पहनकर सो जाऊंगा, गुड नाइट। अरे भैया सुनो तो सही, ठीक है जाओ, भूतनी पकड़ेगी ना तुमको है? तब तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, खान देख लेना। एक थी चुन्नी, एक थी मुन्नी। हमको का भैया, सूत जाओ जल्दी। बाबूजी, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोलो बोलो। बाबूजी, मैं इस परिवार में और आपके दिल में अपने पति के लिए जगह मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ बाबूजी कि कुछ दिनों के लिए राकेश बहक गए थे, लेकिन अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है बाबूजी। उन्हें अपने किए पर पछतावा है। ओ बेटा, बाप के जिगर का टुकड़ा होता है, लेकिन जब वही बेटा बाप के जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दे तो विश्वास तो टूट ही जाता है ना। मैं मानती हूँ बाबूजी, लेकिन उस विश्वास को दोबारा जोड़ा भी तो जा सकता है बाबूजी। राकेश दिल के बुरे नहीं है, वो आजकल अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। आपके दिल को तोड़कर वो चैन से जी भी नहीं पा रहे हैं बाबूजी। वो जब इस परिवार को इकट्ठा देखते हैं तो बहू, तुम्हारी हर बात पर मुझे विश्वास है, लेकिन राकेश की छटपटाहट, उसके दर्द, उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, उस पर विश्वास नहीं है, दिल ही नहीं मानता बहू, क्या करूं? चोट अभी ताजा है ना, उसी के दर्द को सहने की कोशिश कर रहा हूं। माफी चाहूंगा बहू, मैं मजबूर। बाबूजी,
मैसेज प्लीज। राकेश संभालिए अपने आप को। नहीं शुदा, तुम फिक्र मत करो, ये मेरे ही कर्मों का फल है। लेकिन राकेश आप तो पश्चाताप। पश्चाताप? यशोदा, मैंने बाबूजी को जितना दुख पहुंचाया ना, उसका प्रायश्चित तो मैं कई जन्मों तक नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस घर में बेटे का दर्जा मिले या ना मिले, पर यशोदा, एक बहू होने के नाते तुम्हें इस घर में इज्जत और मान मिलता है। मैं जिंदगी में तुम्हें ज्यादा सुख तो नहीं दे पाया यशोदा, लेकिन मेरी वजह से अगर तुमसे ये मान भी छिन गया तो मैं अपनी आत्मा पर यह बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं राकेश, ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। अगर मैंने बहू बनकर कुछ त्याग किए हैं तो एक पत्नी बनकर पति के सम्मान की रक्षा करना जानती हूं मैं। अगर अभी इस घर के लोग मेरे पति को सम्मान नहीं देते तो फिर इन लोगों के साथ मेरा भी क्या रिश्ता रह जाएगा। यशोदा? हाँ राकेश, यशोदा ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और आज मैं आपको एक वचन देती हूँ। इस घर ने और इस घर के लोगों ने एक बहू का त्याग तो देखा है राकेश, पर अगर इस बहू के आत्मसम्मान पर चोट पहुंची तो ये घर इस बहू की नफरत भी देखेगा। नहीं यशोदा, नहीं। अब मेरा प्लान यशोदा ही कामयाब करेगी। आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। यूं ही मुस्कुराया करो ना। हाँ अभी मैं कभी कभी मुस्कुरा लेती हूँ, सिर्फ अपने बेटे के लिए। लेकिन बहुत जल्द मेरी बहन की खोई हुई मुस्कुराहट वापस आने वाली है। पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि बहुत जल्द इंदर जीजू इस घर में वापस आने वाले। क्यों तुम झूठी उम्मीदें मुझे दे रहे हो? ये झूठ नहीं है, ये मेरा विश्वास है। और वहां वो सोनिया मेरे और इंदर के डिवोर्स का प्लान बना रही है। वो पता है डिवोर्स पेपर लेके आ रही थी, कह रही थी साइन करो। जयंती, एक बात का जवाब, क्या तुम्हारा और जीजू का प्यार इतना कमजोर है कि कागज के चंद टुकड़े उसे तोड़ देंगे? प्यार? ये इंदर और सोनिया का प्यार ही तो है जो इस रिश्ते को। यहां जयंती तुम अपने पति पे इल्जाम लगा रही हो। जयंती, कल मैं जीजू से मिलने गया था और मैंने उनसे साफ साफ शब्दों में जवाब मांगा। मैं जानना चाहता था कि वो आज भी तुमसे प्यार करते हैं या नहीं। सोचो तुम्हारे पति ने तुम्हारे बारे में क्या कहा होगा। क्या कहा उसने? हमारे जीजू ने कहा कि वो आज भी हमारी बहन से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले करते थे, और उन्होंने हमेशा जयंती तुम्हें से प्यार किया है, ऐसा उन्होंने कहा। जयंती से मिलना है। कहां है वो? जी, मैं जयंती हूं। मैं निखिल हूं, सोनिया का भाई। इन डिवोर्स पेपर्स पर दस्तखत कर दो।
आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मेरी बहन सोनिया इसके पति से प्यार करती है और जब तक इन दोनों का डिवोर्स नहीं हो जाता उन दोनों की शादी नहीं हो सकती, इसलिए डिवोर्स पेपर्स पर दस्तखत कर दो। गए हैं ना साइन करवाने के लिए, आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा, आते ही होंगे वो और फिर हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। रिलैक्स। बहादुर, बहादुर भैया, क्या हुआ भैया? बहादुर एक कप कॉफी लाओ। भैया सुनिए, क्या हुआ भैया बताइए, क्या हुआ? जी, क्या हुआ आपको? मैं तो सोचता था कि तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे एक्टर निकले। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुम्हारे ससुराल गया था मैं तुम्हारी बीवी से डिवोर्स पेपर पर साइन करवाने। वहाँ उसके भाइयों ने मेरे साथ बदतमीजी की, बहुत ज्यादा बदतमीजी की। छोड़ूंगा नहीं उन्हें। बहुत प्यार करते हो ना तुमने, बहुत प्यार करते हो ना तुम। उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है।